नमस्कार, स्वागत है आपका माँ के हाथ का स्वाद विशालू चौधरी में। और सूजी के रसगुल्ले इतने जूसी, इतने सॉफ्ट और इतने मुलायम हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं, बनाए हैं आप देख सकते हैं। और हाँ, आज के बाद आपके रसगुल्ले ना तो फटेंगे और ना ही उनके अंदर गांठें रहेंगी, साथ ही ना वो आपस में चिपकेंगे कढ़ाई में डालने के बाद। इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को मैं अपने इस वीडियो में साथ लेकर आई हूँ। मैंने भी ये 3 से 4 बार ट्राई किए हैं और तब जाकर मैंने सीखा है कि इनको परफेक्टली कैसे बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं चाशनी। चाशनी बनाने के लिए हम एक बर्तन में लेंगे चीनी, और चीनी हमने यहाँ पर लेनी है दुगनी क्वांटिटी में सूजी की मात्रा से। तो यहाँ पर हम 1/2 कप सूजी के रसगुल्ले बनाएंगे, तो 1 कप चीनी लेंगे और 1 कप ही डाल देंगे हम इसमें पानी। अब हम इसमें उबाल आने तक इंतज़ार करेंगे, और उबाल आने के बाद इसको लगभग 1 से 1.5 मिनट हमें उबालना है मीडियम आंच पर। जब 1 से 1.5 मिनट हो जाएगी तो हम गैस बंद कर देंगे। और यहाँ पर आप इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, साथ ही अगर आप फूड कलर ऑरेंज कलर का डालना चाहते हैं तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर फूड कलर का यूज़ नहीं करूँगी, बस यहाँ पर मैंने 2 इलायची ली और उनको इस तरीके से कूट कर डाल दिया है। और आप देख सकते हैं उबाल इसमें आ चुका है, तो इसे सिर्फ वही 1 से 1.5 मिनट हमें उबालना है। अब हम यहाँ पर गैस कर देंगे बंद और चाशनी उतार कर रख देंगे एक तरफ। अब हम अपने अगले स्टेप में एक भारी तली का बर्तन लेंगे, जिसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी और उसमें हम डालेंगे सूजी। तो जी, सूजी हमें यहाँ पर 1/2 कप लेनी है। अगर मैं वेट में कहूँ तो ये 150 ग्राम सूजी है। साथ ही ध्यान रखना है कि सूजी बारीक वाली यूज़ करनी है। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो उसको आप मिक्सी में ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए धीमी धीमी आंच पर इस तरीके से चलाना है, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे दूध। तो जी, दूध की क्वांटिटी हमें यहाँ पर दुगनी लेनी है। 1/2 कप हमने सूजी ली है, तो 2 कप दूध हम इसमें डालेंगे। अब दूध आप कोई भी ले सकते हैं, ठंडा भी ले सकते हैं, गुनगुना भी ले सकते हैं, गाय का भी, भैंस का भी और पैकेट का भी, कोई भी दूध आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें इसको चलाते रहना है जिससे इसमें लम्स ना बने। ध्यान रहे कि आंच हमें यहाँ पर बिल्कुल धीमी रखनी है, हमें मीडियम या तेज आंच पर हमें इसको बिल्कुल नहीं पकाना। जब आपको 2 से 3 मिनट हो जाएगी तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये हार्ड होने लगेगा। और अगर यहाँ पर आपको 1-2 गांठें दिखाई भी देती है तो आप इसको कंटिन्यू इस तरीके से चलाते रहेंगे ना, तो वो अपने आप ही लम्स इसके मेल्ट हो जाएंगे जब हम इसको फेरते रहेंगे कुछ इस तरीके से। आप धीरे धीरे देखेंगे तो इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके का हो जाएगा। जब इस तरह का टेक्सचर इसका हो जाए तो यहाँ पर हमें गैस बंद कर देनी है, और ये मिक्सचर हमें थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देना है जिससे कि हम इसको टच कर सकें। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए हाथ से इस तरीके से मलेंगे जैसे कि हम नॉर्मली रसगुल्लों के मिक्सचर को मलते हैं, है ना, इस तरीके से। और आप इसकी कंसिस्टेंसी या इसका जो सॉफ्टनेस है वो देख सकते हैं, इस तरह की होनी चाहिए। अगर आपकी सूजी थोड़ा बहुत ज़्यादा पक जाती है और आपको लगता है कि वो हार्ड हो रही है, तो आप उसमें 1-2 चम्मच दूध डाल के मिक्स कर सकते हैं। लेकिन टेक्स्चर आप देख सकते हैं कि टेक्स्चर सेम ऐसा ही होना चाहिए। उसके बाद हम अपनी हथेली पर थोड़ा सा घी लगाएंगे और ये पूरा मिक्सचर हम इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि देखिए इसमें चिपचिपापन तो रहेगा। अगर हम मावे के रसगुल्ले बनाते हैं तो उसमें तो चिकनापन काफ़ी होता है, इसलिए वो हाथ पर नहीं चिपकता, लेकिन ये चिपकेगा। तो यहाँ पर हमें चिकनाई लगाकर इसको इकट्ठा कर लेना है और एक दूसरी प्लेट में ले लेना है। फिर हम फिर से हाथ पर चिकनाई लगाएंगे और इसमें से अब हम थोड़ा थोड़ा सा ये सूजी का डो लेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो डो लेना है वो हमें सेम क्वांटिटी में लेना है, जिससे कि सारे रसगुल्ले हमारे बराबर साइज के बने। और अब हम क्या करेंगे, इसको बीच से ना इस तरीके से दबा देंगे थोड़ा सा। और यहाँ पर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स काट कर रखे हैं, किशमिश और बादाम, जो हम इसके बीच में रखेंगे 3-4 पीस, और इस तरीके से उठाकर जो है हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये बहुत ईजिली हो जाएगा, और फिर हम इसको इस तरीके से बॉल की शेप दे देंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है कि इसके ऊपर लाइनें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये बोल हमारे बनकर तैयार हो चुकी है रसगुल्ले की, और इसके ऊपर बिल्कुल भी लाइनें नहीं है। ये देखिए कितनी स्मूथ है इसकी सरफेस। अब हम इसको रख देते हैं एक साइड, और मैं फिर से आपको एक और रसगुल्ला इसी तरीके से बनाकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सेम प्रोसेस फॉलो किया है। अभी चिकनाई मेरे हाथ पे लगी हुई है तो मैं और घी नहीं लगाऊंगी, और सेम क्वांटिटी में मैंने ये डो लिया, बीच में प्रेस किया, थोड़े से रखे ड्राई फ्रूट्स, और इसको हम फिर से इसी तरीके से फोल्ड कर देंगे जैसे कि हमने पिछली बोल को बनाया था।
ये देखिए, अब हम इसको फिर से इसी तरीके से एक बोल की शेप दे देंगे और इस तरीके से हम अपने सारे रसगुल्ले बना लेंगे। दूसरा, स्टफिंग करने से क्या होगा कि अंदर गांठ बनने का बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा। वैसे तो अगर आप नहीं भी स्टफिंग करेंगे, नॉर्मल भी बनाएंगे इन इंस्ट्रक्शंस के साथ, तो आपके रसगुल्ले बिल्कुल परफेक्ट ही बनेंगे, लेकिन फिर भी इससे इसका जो टेस्ट है वो और बढ़ जाएगा। अब थर्ड स्टेप देखते हैं कि इसको फ्राई कैसे करना है। तो जी, यहाँ पर मैंने वनस्पति घी का यूज़ किया है, क्योंकि रसगुल्ले जो बनाए जाते हैं वो वनस्पति घी में या देशी घी में ही बनाए जाते हैं। जो ट्रेडिशनल तरीका है इन्हें बनाने का, चाहे आप मावे के रसगुल्ले बनाएं या सूजी के। बाकी अगर आप इसका कोई सब्स्टिट्यूट यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बस मस्टर्ड ऑयल वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे तेज स्मेल आती है। अब हम क्या करेंगे, रसगुल्ला छोड़ने से पहले आधा चम्मच मैदा, आपने देखा मैंने कढ़ाई में डाली, वो इसलिए डाली क्योंकि अब हम जैसे जैसे इसमें रसगुल्ले डालेंगे ना, तो ये आपस में बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। दूसरा, ना तो आँच कम होनी चाहिए बिल्कुल, ना ही ज़्यादा होनी चाहिए, मीडियम टू लो आँच पर हमें इनको फ्राई करना है। और डालने के बाद ना हम इनको हल्का सा इस तरीके से कढ़ाई को हिला सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर कंफर्टेबल हैं तो ही ये स्टेप करना, अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि आपका हाथ वगैरह जल जाए। तो प्लीज़ केयरफुली होकर ये काम करना है। और अगर आप कढ़ाई नहीं हिला सकते तो सावधानी से आपको इस तरीके से कुछ भी स्पैचुला या झरनी कुछ भी लेना है और साइड से थोड़ा सा इस तरीके से इनको घुमाना है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब तक इनकी स्किन थोड़ा सा हार्ड ना हो जाए तब तक हम इनको नहीं छेड़ सकते। अब आपको 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा इनको सेकने के लिए, फ्राई करने के लिए, और धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि इनका जो कलर है वो चेंज होने लगा है। अब इस स्टेज पर आकर आप इनको थोड़ा और डार्क कलर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको और ज़्यादा डार्क कलर में नहीं फ्राई करूँगी। दूसरा, आप खुद ही देख सकते हैं कि जो छोटे वाला रसगुल्ला है हमारा, वो किस तरीके से घी में तैर रहा है। इसी तरीके से अगर इसमें क्वांटिटी घी की थोड़ी ज़्यादा रहती तो हमारे बड़े रसगुल्ले भी इसी तरीके से तैरते। और साइज़ आप देख सकते हैं कि रसगुल्लों का साइज़ भी मैंने बिल्कुल हलवाई वाला बनाया है। और 4 से 5 मिनट सफिशियंट है इनको डीप फ्राई करने के लिए, क्योंकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाएंगे। अब हम इनको निकाल लेंगे और इनको तुरंत डाल देंगे चाशनी में और ढक कर रख देंगे। और सेम प्रोसेस के साथ हम अपना दूसरा बैच भी निकाल लेंगे इसी तरीके से। बस यहाँ पर हमें वही 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब आप ये रसगुल्ले बनाते हैं तो सूजी हमारी बारीक होनी चाहिए। दूसरा, दूध में मिक्स करने के बाद जो उसका टेक्सचर है वो सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ी हार्ड है तो आप उसमें 1-2 चम्मच दूध डाल सकते हैं और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तीसरा, जब आप इनको कढ़ाई में छोड़ते हैं तो ध्यान रखना है कि पहले 1/2 चम्मच मैदा घी में डाल दें और उसके बाद रसगुल्ले छोड़ें, तो आपके रसगुल्ले बिल्कुल नहीं चिपकेंगे आपस में। साथ ही जो आँच है वो लो टू मीडियम होनी चाहिए, ना उससे ज़्यादा और ना उससे कम। और इस प्रोसेस से हमारे ये 13-14 रसगुल्ले बनकर तैयार हुए हैं क्वांटिटी में, जिनको मैंने 2-3 घंटे के लिए छोड़ दिया था। और आप देख सकते हैं कि इनका जो साइज़ है वो कितना बड़ा हो चुका है। और आपको मैं दिखा भी देती हूँ, ये देखिए, इसको हम लेते हैं और कितना जूसी ये रसगुल्ला हमारा बनकर तैयार हुआ है, इसके अंदर कितना जूस भरा हुआ है आप देख सकते हैं। ये देखिए, जब मैं इसको हाथ से इस तरीके से उठाती हूँ ना और दबाती हूँ, इतना सॉफ्ट रसगुल्ला हमारा बनकर तैयार हुआ है कि जूस भी बाहर निकल जाता है। और ये देखिए कितने सॉफ्टली ये टूट रहा है, ये देखिए कितना सॉफ्ट रसगुल्ला है, अंदर आप इसकी स्टफिंग भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये स्पेशल सी रेसिपी, बनाइएगा ज़रूर। अगर कभी मन हो ना इंस्टेंटली रसगुल्ला खाने का, तो मावा वगैरह का काफ़ी झंझट रहता है ना, तो आप तुरंत सूजी और चीनी, दो ही चीज़ें चाहिए इन्हें बनाने के लिए, तुरंत बनाइए और खाइए और फैमिली को भी खिलाइए। और हाँ, कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपके रसगुल्ले कैसे बने थे। तो इस स्वीट सी शेयरिंग के लिए लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, और एक बार मेरे चैनल पर विजिट ज़रूर करना, जहाँ पर आपको ढेर सारी ऐसी रेसिपीज़ देखने को मिलेगी। मैं फिर से आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।